नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 52 में उल्लेख है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। अगर सवाल आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपको आंसर देना है राष्ट्रपति। ये जो 52 आर्टिकल है, राष्ट्रपति को पद को भी दिखाता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं निर्वाचन मंडल की। भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इसमें संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभाएं, और दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो। हमारे जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सिर्फ 2 ही में ही विधानसभाएं हैं, मतलब जहाँ 2 जगह मुख्यमंत्री बैठते हैं, जैसे एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, तो इनके सदस्य भी होंगे। ठीक है, अब देखो, ये देखते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है। मान लो कि 4 सदस्य या 4 उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं, ए, बी, सी और डी। और मान लेते हैं कि कुल वोट हैं 1,000, ए को मिले हैं 400, बी को 300, 700 हो गए, और सी को मिले हैं 200, और डी को 100 वोट मिले। अब वोटिंग कैसे होती है? जैसे एक व्यक्ति है ना, सिर्फ एक को वोट नहीं देता, वो इनमें क्रमवाइज वोट देता है। जैसे मुझे मान लो कि पहले पसंद है डी, मैं डी को वोट देना चाहता हूँ, तो मैं डी को वोट दे दिया। तो पहले क्रम पर मैंने सेट कर दिया डी को। दूसरे पर मैं चाहता हूँ कि मैं बी को वोट दूँ, तो मैंने बी को दे दिया। तीसरे पे मैंने ए को वोट दिया, मतलब एक व्यक्ति चारों को वोट देता है, और डी पे मैंने दिया चौथे को। ये क्रम ही दिखाता है कि मैं पहले पसंद किसको करता हूँ। मैं पहले डी को पसंद करता हूँ, डी पसंद, डी का अगर सिलेक्शन नहीं हो तो फिर बी बनेगा, बी बी अगर को अगर बहुमत ना मिले तो ए बनेगा, फिर उसके बाद सी बनेगा, इस तरह से। अब सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं जैसे ए को 400, लेकिन ये अभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास 50% वोट होने चाहिए, 50% प्लस एक वोट, कुल बहुमत का आधा प्लस एक वोट हमारे पास होना चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है। तो यहाँ पर तो आधे से कम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, द्वितीय मतगणना होती है। उसमें क्या होता है कि जो सबसे कम वोट होते हैं उसको हटा देते हैं, जैसे डी को हटा दिया। अब क्या होगा, जो डी के वोट हैं वो आगे शिफ्ट होंगे। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने डी को दिया पहला वोट, और सेकंड वोट किसको दिया, बी को, तो मेरा एक वोट जो है ना वो बी को चले जाएगा। ठीक है, इसमें से इसी तरह से जिन जिन व्यक्तियों ने जिस क्रम से रखा है उनके नेक्स्ट वाले व्यक्ति को इसके वोट चले जाएंगे। तो इस तरह से जब जिस व्यक्ति के 50% प्लस एक, यानी कि अगर 1,000 वोट हैं तो 500 प्लस एक वोट जिसको मिल जाएंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो एक सवाल आता है इसमें कि द्वितीय मतगणना से बने राष्ट्रपति कौन है, जिनके टाइम में मतलब दोबारा मतगणना हुई। तो वो हैं वीवी गिरी, वीवी गिरी। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके समय द्वितीय मतगणना हुई। तो उसको याद करने का तरीका, देखो वीवी दो बार आ रहा है, मतलब द्वितीय बार मतगणना हुई है, और वी का सिंबल भी है, ठीक है ना। तो द्वितीय मतगणना में कौन से राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी। अब आगे देखते हैं, योग्यता क्या चाहिए, 35 वर्ष, जैसे लोकसभा में हमारी थी 25, राज्यसभा में 30, और राज्यसभा के ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति, तो 25, सॉरी 35। भाई, लोकसभा से बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास। तो उम्र वाइज भी वैसे ही देखो, 5 का गैप 5 का गैप, तो 25 30 35। ठीक है, भारतीय होना चाहिए, पागले दिवालिया ना हो और लाभ के पथ पे ना हो, ये थी इसकी योग्यताएं। कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पुनर्निर्वाचन भी संभव है। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है भारत में, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में, जैसे अमेरिका में 2 ही बार बन सकता है एक व्यक्ति, लेकिन भारत में बार बार संभव है, एक व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बन सकता है, और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। पद त्याग, राष्ट्रपति अपना पद त्याग उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग सिर्फ एक ही कंडीशन में लगता है, अगर राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण कर ले, संविधान पर कब्जा कर ले, तो उसी कंडीशन में महाभियोग लगेगा। महाभियोग आर्टिकल 61 से लगता है।
ठीक है, महाभियोग लगाने से पहले मतलब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। उस सूचना में 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लगता है महाभियोग। महाभियोग कैसे लगता है? हमारे पास दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में बिल को पेश करा जा सकता है। मान लो कि राज्यसभा में पेश करा पहले, तो यहाँ पर वो बिल 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद जाएगा लोकसभा, तो यहाँ पर भी उसको 2/3 बहुमत चाहिए। अगर दोनों सदन से उसको 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाता है महाभियोग के लिए, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब आगे करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं चाहिए होते इसमें। अगर राष्ट्रपति खुद सिग्नेचर क्यों करेगा अगर उसी को हटा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही काफी होता है। इसलिए ये दो ही सदन के मतलब बहुमत रखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाना चाहिए महाभियोग का। उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चाहो तो पहले बिल लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में, जहां भी लाना है ला सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्य करेंगे उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अध्यादेश, सदन की बैठक न होने पर राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा ये जारी होता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाता है वो अनुच्छेद 123 के तहत लाता है, 123, ठीक है। जबकि राज्यपाल 213 के तहत लाता है। देखो, याद करने का तरीका क्या है। प्रथम कौन होता है? राष्ट्रपति, तो 123। इस राज्य में कौन होता है प्रथम? राज्यपाल। तो लेकिन राज्य सेकंड नंबर पर आता है, देश के बाद आता है, तो 2 नंबर को पहले कर दो। इस 2 को आगे लियाओ, 1 को पीछे कर दो, ठीक है। तो 2, 1, 3। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि राष्ट्रपति का हो जाएगा 123, और इसमें 2 आगे लियो तो 213 हो जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने के लिए। राष्ट्रीय आपात, हमारे संविधान में 3 तरह के राष्ट्रीय आपात दिए हुए हैं। एक तो है 352, फिर है 356, फिर है 360। सिर्फ एक याद रखना है, 352, उसमें 4 जोड़ोगे तो 356, फिर 4 जोड़ेंगे तो 360, ठीक है। पहले 352 की बात करते हैं। ये होता है बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह होने पर, ठीक है। जैसे कि 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था भारत में, तब लगा था राष्ट्रीय आपात, तो 352 के अंडर लगा। फिर 1971 में बांग्लादेश आक्रमण, तो उस समय लगा। फिर 1975 में आंतरिक अशांति के मामले में राष्ट्रीय आपात लगा, तो 352 के अंडर ही लगे ये तीनों, क्योंकि ये बाहरी आक्रमण थे और सशस्त्र विद्रोह होने पर था, तो आंतरिक मामला सशस्त्र विद्रोह में आ गया था, आंतरिक अशांति, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। ये क्या होता है? संवैधानिक तंत्र की असफलता पर लागू होता है। यह संवैधानिक तंत्र का सर्वाधिक दुरुपयोग किस किसने करा? तो ये देखो, पंजाब सर्वप्रथम पंजाब में हुआ 1951 में। यह 84 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है ना, वो 356 के अंडर ही लगता है। प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, वो 356 के अंतर्गत लगता है। तो सर्वप्रथम पंजाब में लगा, और सबसे ज़्यादा बार भी पंजाब में लगा है, 84 बार। सबसे कम समय के लिए लगा है केरल में। इसके अलावा सबसे अधिक समय के लिए लगा है जम्मू कश्मीर में। इसमें 6 साल और 264 दिन के करीबन इसमें लगा है, तो 6 वर्ष से ज़्यादा लगा है इसमें लगातार, 1990 से 1996, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, जो भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 5 लाख रुपए प्रति महीना। ये हाल ही में चेंज हुआ है वेतन, इससे पहले 1.5 लाख रुपए प्रति महीना था, जिसे 200% से भी ज़्यादा बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। इनका वेतन कर रहित होता है, मतलब टैक्स नहीं लगता है, संचित निधि द्वारा प्राप्त होता है, और इन्हें 1.5 लाख रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। अभी तक जो पहले वाली पेंशन थी वो थी करीबन 9 लाख रुपए सालाना, 9 लाख पर ईयर थी। अब 1.5 लाख प्रति महीना हो गई है, तो कुल मिला के इससे ज़्यादा ही होगी। 12 से मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं, तो इससे
करीबन ज़्यादा ही आएगी, ज़्यादा ही आएगी इससे बहुत। ठीक है, तो नई जो पेंशन है वो है 1.5 लाख रुपए प्रति महीना, और जो मंथली सैलरी है वो है 5 लाख रुपए प्रति महीना। ठीक है, अब कुछ विशेष पॉइंट है राष्ट्रपति से जुड़े हुए जिन पर हम देखते हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कैसे याद रखना है, देखो निर्विरोध का नी ले लो, नी से नीलम। बस एक हिंट चाहिए होती है हमें याद करने के लिए, तो जिससे हमें याद रह जाए। तो निर्विरोध कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, नी से नीलम। द्वितीय पसंद वोटों की गणना से जीतने वाले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अभी अभी को बताया था मैंने कि शुरू में जब वोटिंग वाला मैं बता रहा था, तो भाई जिनके सेकंड टाइम वोटों की जब गणना हुई तो कौन जीते थे? वीवी गिरी। वी दो बार आ रहा है, तो द्वितीय मत गणना से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन हो गए? वीवी गिरी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, नाम से पता चल जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद पर रहते मरने वाले राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति जो पद पर रहते वो मर गए, तो एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा है फरुखद्दीन अली अहमद। प्रथम महिला राष्ट्रपति, सबको पता होगा इनका, तो प्रतिभा पाटिल। प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण। स्वपन द्रष्टा राष्ट्रपति, ऐसा कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो इन्हें नहीं जानता हो। सबको पता है कि सपने देखने वाले राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं भारत के ऊपर, जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा साथ में। तो स्वपन द्रष्टा राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला, तो एक तो है एस राधाकृष्णन और दूसरे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल गया था। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में कब रही थी? 17 अप्रैल 1952 से। आपको डेट ध्यान रखनी है, 17 अप्रैल 1952 से हमारी जो अस्थायी संसद थी अस्तित्व में आ गई। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये मैंने अपने लोकसभा और राज्यसभा के वीडियो में बताया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्य मनोनीत करता है, वो दोनों सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 12 सदस्य हैं वो राज्यसभा में मनोनीत करता है जो कला साहित्य और खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक समय तक लग सकता है, मतलब राष्ट्रपति जो शासन है कम से कम 6 महीने रहता है एक बार लग गया तो, और अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है, और इसके अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ये आर्टिकल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, भाई उसकी इच्छा होगी तो मानेगा परामर्श, वरना नहीं मानेगा। तो जो परामर्श मांगता राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से वो आर्टिकल 143 के तहत होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे राष्ट्रपति के बारे में। थोड़ा कुछ और बचा हुआ है राष्ट्रपति को, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।